हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिभा और आप सबका स्वागत है प्राट्स किचन में। आज हम बनाएंगे सिंपल सी डिश मसाला डोसा। दोस्तों, हम में से बहुतों को बहुत अच्छे से आता है मसाला डोसा बनाने, लेकिन ये रेसिपी उनके लिए जो थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं इसमें। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप इडली वाले चावल ले लिए हैं, मोटे वाले जो मार्केट में मिलते हैं ना, वो वाले। साथ के साथ धुली हुई छिलके उतारी आधा कप उड़द दाल डाल दी है, 1/4 कप चना दाल ले ली है, 1 छोटा चम्मच मेथी दाना ले लिया है। इन सभी चीजों को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और वॉश करके इनको 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रख लेंगे। ये देखिए दोस्तों, 5 से 6 घंटे के बाद मैंने एक्सेस वाटर निकाल लिया है और हमारी दाल और चावल बिल्कुल अच्छे से फूल गए हैं। इनको अब मैं एक मिक्सर जार में ट्रांसफर कर रही हूँ और थोड़ा पानी डालकर बिल्कुल बढ़िया बारीक पेस्ट बना लूंगी। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल बढ़िया महीन पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे और ढक के इसको ओवरनाइट फर्मेंट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मिक्सचर जो है वो क्वांटिटी में डबल हो गया है, बिल्कुल अच्छा फर्मेंट हो गया है। अब थोड़ा सा मैं इसको स्टर करके एक्सेस एयर जो है इसकी वो निकाल दूंगी और निकालने के बाद यहाँ पर मैं नमक डालूंगी स्वाद के अनुसार और 2 छोटा चम्मच सूजी का डालूंगी इसमें। सूजी दोस्तों इसमें ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, चाहें तो रहने दें। इससे जो हमारा डोसा है वो बहुत अच्छा क्रिस्पी बनता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा जो डोसा बैटर है वो डोसा बनाने के लिए रेडी है। अब यहाँ पर हम आलू का मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल डाल लिया है, 1/2 छोटा चम्मच राई दाना, 1/2 छोटा चम्मच जीरा डाला है, 1/2 बड़ा चम्मच उड़द दाल डाली है और 1/2 बड़ा चम्मच चना दाल डाला है। साथ के साथ मैं यहाँ पर 2 लाल मिर्चें डाल रही हूँ। इन सभी चीज़ों को हम 10 से 20 सेकंड के लिए भून लेंगे और उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 3 से 4 हरी मिर्चें कटी हुई और 10 से 12 करी पत्ते। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 प्याज, जिसको कि मैंने बारीक काट लिया है। इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करके ज़्यादा नहीं, लगभग 10-20 सेकंड के लिए भून लेंगे और फिर नमक ऐड कर लेंगे स्वाद के अनुसार और साथ के साथ 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इन सभी चीज़ों को अच्छे से एक बार और मिक्स करेंगे और मिक्स करके यहाँ पर मैं 4 से 5 उबले हुए आलू हैं जो हाथ से ही ऐसे मसल के डाल रही हूँ। इसको बहुत बारीक करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इसको जब हम अच्छे से मिक्स करेंगे तो आलू जो है वो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में पहुँच जाएगा। ये देखिए दोस्तों, 2 मिनट के लिए मैंने लगभग इसको भून लिया है। इससे ज़्यादा इसको भूनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मीडियम हीट पर ही मैं भून रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें धनिया का पत्ता डाल रही हूँ और बस आलू हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम डोसा बनाएंगे। डोसा बनाने के लिए तवा जो है वो बिल्कुल अच्छा गर्म कर लिया है, ये देखिए। उसके बाद मैं यहाँ पर पानी डाल के इसको कपड़े से पोंछ रही हूँ ताकि तवे का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल अच्छा सेट हो जाए और उसके बाद इस पर हम डोसे को स्प्रेड कर लेंगे। डोसे को स्प्रेड करने के बाद इस पर आप घी, तेल या मक्खन जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर मक्खन डाल रही हूँ और मक्खन डालने के बाद इसमें हम जो हमारा मसाला है वो स्प्रेड कर लेंगे। मैंने लगभग 3 चम्मच जितना मसाला डाला है, आप चाहे तो मसाला थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद बस डोसे को हम 2 से 3 मिनट के लिए और सेक लेंगे, जब तक ये बिल्कुल अच्छा गोल्डन ना हो जाए चारों तरफ से। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल अच्छा सुनहरा हो गया है डोसा। अब मैं इसको ऐसे फोल्ड कर रही हूँ और फोल्ड करके इसको हम सर्व कर लेंगे। मैं इसको नारियल की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ, आप चाहें तो नारियल की चटनी और सांभर दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं। इसको बनाएं और मुझे बताएं रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ प्रैट्स किचन में।